वेलकम टू माय चैनल। आज के आकाशा खान किचन में मैं बनाऊंगी काजू कतली की रेसिपी, और इसे हम घर पे इस तरीके से बनाएंगे कि आपको ये खाने में तो लगेगी ही मार्केट जैसी, और इसे हम देखने में भी मार्केट जैसा ही बनाएंगे। तो हम रेसिपी स्टार्ट करें उससे पहले आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, और नीचे दिए गए बेल आइकन के बटन को भी प्रेस करिएगा। तो आइए अब हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसे हम कैसे बनाएंगे, तो ये मिठाई बनाने के लिए ना हमें सबसे पहले जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी वो है काजू। तो ये मिठाई मैं बनाऊंगी दो कटोरी से। सबसे पहले हमने एक कटोरी काजू ले लिए हैं, और इनको हमें ना बहुत ज़्यादा बारीकी से ग्राइंड करेंगे। तो देखिए हमने ना इसका एक फाइन पाउडर बना लिया है, ये अभी एक कटोरी का बनाया है हमने। तो थोड़ा थोड़ा करके हम इसको ग्राइंड करेंगे, एक साथ नहीं करेंगे। और ग्राइंड करने से पहले ना आप काजुओं को कम से कम 15 मिनट के लिए ना फ्रीज़र में रखिएगा, क्योंकि फ्रीजर में रखने से ना ये थोड़े ठंडे हो जाएंगे, और जब आप इसे ग्राइंड करेंगे ना तो ये ना इसमें चिपकेगा नहीं, और जो इसका पाउडर बनेगा वो काफ़ी अच्छा बनेगा। और अगर आप इसे डायरेक्टली ग्राइंड कर लेंगे तो इसका जो पाउडर बनेगा वो थोड़ा चिपचिपा सा बनेगा। तो अब हमने ना दोनों कटोरी काजू का एक फाइन पाउडर बना के तैयार कर लिया है। अब हम इसको ना छन्नी से छान लेंगे। तो देखिए मैंने ना इससे छन्नी से छान लिया है पाउडर को, और आपके पास भी अगर छन्नी हो, कोई भी बारीक सी छन्नी आप ले लेना, और उससे आप पाउडर को छान सकते हैं। और जो छन्नी में थोड़ा बहुत पाउडर बच जाएगा ना, हम उसे भी वापस ग्राइंड कर लेंगे दोबारा से, और फिर उस पाउडर को मिक्स कर लेंगे साथ में ही। और अब ये पाउडर तैयार हो गया है कतली बनाने के लिए। और अब गैस को ऑन करके हमने आधी कटोरी पानी डाल दिया है कढ़ाई पे, और एक चौथाई कटोरी हम इसमें मिल्क ऐड कर देंगे। तो मिल्क ऐड करने से जो काजू कतली का कलर आएगा ना वो अच्छा सा आएगा। और अगर आपको मिल्क ऐड नहीं करना तो आप इसे सिर्फ पानी से भी बना सकते हैं। और अब इसमें जाएगी आधी कटोरी चीनी, तो चीनी को हम इसमें मिक्स कर देंगे। और हमें ना यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान देना होगा कि इसकी ना हमने कोई चाशनी नहीं बनानी है एक या दो तार की, हमें सिर्फ इतना ही इसे पकाना है कि चीनी अच्छे से इसमें घुल जाए, तो सिर्फ घुलने तक ही हम इसे पकाएंगे। और अगर आपने इसे चाशनी को बहुत ज़्यादा देर तक पका लिया ना, जैसे कि एक तार या दो तार की आपने ये चाशनी पका ली, तो क्या होगा कि आपकी जो काजू कतली होगी वो टाइट हो जाएगी या ज़्यादा चिपचिपी हो जाएगी। तो इसलिए आप इस चीज़ का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा कि आप मतलब इसमें चाशनी ना बनाएं, सिर्फ चीनी घुलने तक ही इसको पकाएं। और देखिए हमारी चीनी अब अच्छे से घुल गई है, तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे काजू का पाउडर जो हमने तैयार करके रखा हुआ है, और इसे हम अच्छे से अब मिक्स कर लेंगे फटाफट से। और फ्लेम को हमने स्लो ही रखना है, ना मीडियम करना है इसमें, ना ही हाई रखना है, एकदम स्लो फ्लेम पे हम इसे पकाएंगे अब। और इसे ना हमें लगातार तसल्ली से चलाते हुए पकाना होगा, और अगर हमने इसे ज़रा सा भी छोड़ दिया तो ये नीचे से जल जाएगा बहुत जल्दी, तो इसलिए आप इसे लगातार चलाते हुए पकाते रहें। और अब हम इसमें ऐड करेंगे एक चम्मच भर के घी, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और पकाते रहेंगे स्लो फ्लेम पे। और इसमें मैंने ना आधा चम्मच इलायची का पाउडर भी ऐड करा है, तो बहुत ज़्यादा भी नहीं डालना इसमें इलायची का पाउडर, सिर्फ आधा चम्मच ही हम इसमें मिक्स करेंगे। और अच्छे से मिक्स करते हुए हम इसे 2 से 4 मिनट तक और पकाएंगे। और अब देखिए आप इसका ना एक डो बनना स्टार्ट हो गया है, जैसा कि हम आटा गूंथते हैं। तो इस तरीके की जब आपकी कंसिस्टेंसी आने लगे तब हमें ना फ्लेम को बंद करना है, और इसे हम निकालेंगे फिर एक अलग प्लेट में। और अब हम करेंगे कतली बनाना स्टार्ट। तो मैंने ना एक ट्रे ले ली है, और इस पर मैं लगा दूंगी ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन। तो मेरे पास है ना अभी बटर पेपर अवेलेबल नहीं था, ये पॉलीथीन थी, तो मैंने इसी का ही यूज़ कर लिया है। तो आप भी अगर मतलब आपके पास भी बटर पेपर अवेलेबल ना हो, इस तरीके की कोई भी पॉलीथीन लेकर आप जो काजू का डो बनाया है उसे इस पर फैला सकते हैं। तो देखिए हमारा तो काम हो गया इसी पॉलीथीन से। और अब हम इस डो को ना चारों तरफ फैला देंगे अच्छे से। और अब है ना इसे हम सेट होने के लिए फ्रिज में आधे घंटे के लिए रख देंगे। और अब आधे घंटे के बाद है ना आप देखिए बहुत अच्छे से सेट हो गया है। तो अब हम इसे मार्केट लुक देंगे।
तो इसके ऊपर हम लगाएंगे चांदी का वर्क। तो देखिए मैंने चांदी का वर्क ले लिया है और अब हम इसे अच्छे से इसके ऊपर लगा देंगे। तो जब भी आप ये काजू कतली बनाएं ना, तो ये चांदी वर्क तो ज़रूर लगाइएगा, क्योंकि इसे लगाने से ना एक तो मार्केट लुक आता है और देखने में ये काफ़ी अच्छी लगती है। तो देखिए हमने इसे तो कर दिया है गार्निश सिल्वर वर्क से और अब ये कटने के लिए हो गई है तैयार। तो अब हम इसे कतलियों का एक आकार दे देते हैं। तो देखिए काजू कतली जो है बहुत ज़्यादा सॉफ्टली कट भी रही हैं और काफ़ी अच्छी इसमें से खुशबू भी आ रही है। तो बस आपको है ना इसे बनाने के लिए ये छोटी छोटी सी बातों का ध्यान रखना है जो मैंने आपको बताई हैं। तो बस आपकी काजू कतली भी इसी तरीके से अच्छे से बनके तैयार होंगी जैसे ये बनी है। और देखिए सिर्फ आधे घंटे में ये मार्केट स्टाइल काजू कतली हमारी घर पर ही बनके तैयार है। तो अब जब भी आपका काजू कतली खाने का मन हो ना, तो आप इसे घर में ही ट्राई करिएगा। फटाफट से बनके तैयार हो जाती है और हेल्दी भी होती है, खाने में टेस्टी भी होती है। तो इस बार आप इसे घर में ही ट्राई करें और जब भी आप इसे ट्राई करें आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपकी काजू कतली कैसे बनी। और आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक करें, फैमिली एंड फ्रेंड में इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर हिट करिएगा। इससे मेरी सारी वीडियो की नई नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचेगी। मिलेंगे हम अगली नई रेसिपी के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। बाय, अल्लाह हाफिज़।